वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब की अपडेट लेकर आता हूं, आपकी ही रिक्वेस्ट पर लाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज मैं थैंक यू कहना चाहूंगा रिंकी जी को फिर से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन की पोस्ट निकली है। कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मोची, टेलर, दफ्तरी, माली, बार्बर, कारपेंटर और धोबी की। सो थैंक यू सो मच रिंकी जी, आपने जो है अपने साथ साथ और मेरे साथ साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की भी हेल्प की है। आपको बता दूं, ये जो जॉब है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, कोई सा भी स्टेट हो गया भारत का, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो पोस्ट टाइम की बात करें तो मल्टी टास्किंग स्टाफ की ये पोस्ट है, सिविलियन की। एक और बात बता दूं, इस जॉब का फॉर्म जो है अभी फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसका फॉर्म जो है 16 या 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा फिल होना। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए पहले दे दिए ताकि जो है आप अलर्ट हो जाएं, और जैसी मैं इस पर आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊं इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, आप उसी दिन इसका फॉर्म फिल कर पाए। अगर मैं आपको 17 को ही या 16 को ही इन्फॉर्मेशन देता तो आपसे जो है लैप्स हो जाती, इसलिए आप प्लानिंग करके, मैंने सोचा कि आप प्लानिंग कर लेंगे और अपना फॉर्म जो है टाइम से फिल कर पाएंगे, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन जल्दी लेकर आ पाया। क्योंकि मेरे साथ जो है इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी थी रिंकी जी ने, तो रिंकी जी थैंक यू अगेन, आपने मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन की। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है इस पर क्लिक करके और बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि हम जो दूसरी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप इसका फॉर्म फिल कर पाए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका फॉर्म जो है 16 या 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा फिल होना। लास्ट डेट अप्लाई करने की 11/1/2018 है। तो अभी बहुत समय है फॉर्म को आने में और फॉर्म को फिल करने में। आप चिंता ना करें, इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। बस आपको मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन दी ताकि आप अलर्ट हो जाएं। जॉब की लोकेशन जो है, आप कहीं से भी अप्लाई करें, आसाम से करें, गुजरात से करें, मध्य प्रदेश से करें, दिल्ली से करें, पंजाब से करें, आपकी जॉब की जो लोकेशन रहेगी वो दिल्ली ही रहेगी, आपको कहीं और पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी फी वैसे डिसाइड नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दूं, इसका जो है आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म होता है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है, चेंजेस भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा। मैं इसका 17/12/2017 को एक और वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा और इससे रिलेटेड। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, तो 16 जनवरी 2018 को आपकी एज जो है 18 से 27 साल होने चाहिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का। आगे बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, तो मैंने पोस्ट नेम में आपको बता ही दिया है, मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 707 पोस्ट है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर 10वीं पास है आप तो इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसी पोस्ट जो है बहुत कम निकलती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं यही बोलूंगा कि आप इसका फॉर्म जरूर फिल करें। मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा जब मैं आपके लिए 17/12/2017 को इसकी एक और वीडियो देकर आऊंगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है दोस्तों, 18,000 रुपये से आपकी करीबन 55,000 या 56,000 सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बस 10वीं पास होना है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें ITI मांगा है, लेकिन आप 10वीं पास है तो भी आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो कुछ पोस्ट जिसमें ITI मांगा है वो मैं आपके साथ उसी दिन शेयर करूंगा 17/12/2017 को। तो आप जो है उसकी चिंता ना करें, मैं आपका इसका फॉर्म फिल करवाऊंगा। अगर आपसे फॉर्म नहीं फिल होता तो मैं अपने हाथ से जो है आपका फॉर्म फिल कर दूंगा 17/12/2017 के बाद। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे साथ रिंकी जी ने शेयर की है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसकी वेबसाइट नोट डाउन कर लें, तो www.delhipolice.nic.in ये वेबसाइट आप जो है नोट डाउन कर लें, ताकि आप जो है इस पर चेक करते रहे 16/12/2017 तक। आप जो है 17/12/2017 को भी चेक करेंगे तब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है फॉर्म का लिंक जो है ओपन हो चुका है और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
आगे आपको बता दूं, ये पोस्ट है, आप देख ले किसके लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो SC के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, रिजर्व के लिए कितनी है और अनरिजर्व के लिए कितनी है, आप देख ही सकते हैं। और सैलरी भी देख सकते हैं कि कितनी कितनी सैलरी रखी है। वैसे आपको बता दूं कि रसोईया, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, दर्जी, दफ्तरी, माली, नाई और आपका बड़ाई, यहाँ पर ऐसी ऐसी इस तरीके की पोस्ट निकाली हुई है। यहाँ पर जो है ये भी डिटेल्स आप पढ़ लें अच्छे से, ये आपका एज रिलैक्सेशन के जो है अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद में आपके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक और आप बात बता दूं कि यहाँ पर आपको 10वीं पास होना है और आपको ITI किसी किसी फील्ड में चाहिए, हर फील्ड में नहीं चाहिए, आपको पहले ही बता देता हूँ। जब मैं आपके साथ एक और वीडियो बनाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैं आपके साथ जो है इसकी फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपका फॉर्म भी जो है मैं फिल करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है ये भी आप देख ले, क्योंकि इसकी डेट भी अभी खत्म नहीं हुई है। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।